यहाँ पर अनिल आनंद के पास मैं जाना चाहूंगी, क्योंकि ये बात बताना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि महबूबा मुफ्ती सेपरेटिस्ट को लेकर उनका क्या रवैया है, उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है ये सबको पता है। दूसरी तरफ जब विकास की बात होती है, इन दोनों को मिला के एक रोड मैप कैसा नजर आता है? अनिल, मैं इससे पहले आपके इस प्रश्न का उत्तर दूं, मुझे बहुत खुशी हुई सुदेश वर्मा ने, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये माना कि बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है और ये गवर्नेंस से ही हल होती। का कितना अच्छा होता अगर यही थॉट प्रोसेस को 7 महीने पहले सोच के पर्स्यू किया गया होता। पदकस्मृति से वो नहीं हुआ और मुफ्ती साहब जैसे एक स्टलवर्ट सीन पे होते हुए इस अलायंस के लीडर के नाते वहाँ उनकी मौजूदगी के बावजूद भी वो चीज़ें नहीं हुई। मेरा ये मानना है सुदेश ने बहुत बिल्कुल सही कहा, अब भी कॉर्नर स्टोन जो होना चाहिए या स्टेपिंग स्टोन जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए, गुड गवर्नेंस, ऑल रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉलो। अगर आपने लोगों का जो कॉन्फिडेंस जो एक किस्म का भंग हुआ है उसको वापस लाने की कोशिश हो तो वो होनी चाहिए अच्छी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, और इन दोनों चीजों का पिछले 7-8 महीने में बिल्कुल वहां पे एक नदारत। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस का क्या करेंगे? अलगाववादियों की जब बात आती है ये तो सबको पता है कि महबूबा मुफ्ती का स्टैंड काफी सॉफ्ट है, देखिए साथ में चलेंगे कैसे? जब आप ऐसे दो गुट आपस में मिलके सरकार बना रहे हैं जिनका आपस में कोई मेल नहीं है, वैचारिक तौर पे कोई मेल नहीं है, तो उनको कुछ ना कुछ कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। उस वक्त तो उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर खितों को करीब लाने के लिए हम कोशिश करेंगे, बदकिस्मती से वो भी नहीं हुआ। हुआ ये कि पॉलिटिकल एजेंडा किसी ना किसी तरह से कोई किसी ने फ्रिंज एलिमेंट के गले में डाल दिया, महबूबा जी ने किसी हुर्रियत वाले के गले में डाल दिया, ये चीजें तो इनको कुर्बानी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी रेल को पटरी के ऊपर लाने की। जब रेल पटरी पे आ जाए तो सेंसिटिव इश्यूज पे बात होनी ही होनी है। आप अगर वहां तक पहले रेल को पहुंचाएं, अन्यथा ऐसा ना हो कि फिर डीरेल हो जाए। ये मैं बिल्कुल मानता हूं बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत संयम रखने की जरूरत है, और ये बहुत छोटी बात है कि किसको पोर्टफोलियो कितने मिलेंगे या कितने नहीं मिलेंगे, कम कौन लेता है ज्यादा क्या लेता है। और मुझे लगता है कि शुरुआत करनी चाहिए थी, एक मुख्यमंत्री जल्दी से ओथ ले लेती, 2-3-4 सीनियर मंत्री लेते, आप बाद में फैसले करते रहते। तो आज के डेट में जो आज भी एक मैसेज गया है इसको अवॉइड किया जा सकता था, और अवॉइड करना दोनों पार्टियों के हित में था, स्टेट के हित में था, देश के हित में था। तो आज की सिचुएशन पर यह भी सवाल उठता है, क्या दोनों ही पार्टियों के लिए विन विन सिचुएशन है या फिर किसी पार्टी को समझौता करना पड़ेगा? राकेश कपूर, ये सवाल आपसे। देखो स्वाति, बड़ा सीधा सवाल है जो ये सैद्धांतिक पक्ष उठा है यहाँ पर आकर के। तो निष्पक्ष भाव से एक पत्रकार के रूप में जब आप इसका विश्लेषण करते हैं तो वहाँ पर कांग्रेस और पीडीपी की भी सरकार रह चुकी है, दोनों पार्टियों की सरकार रही है। मुफ्ती साहब पहले भी मुख्यमंत्री बने थे पीडीपी प्लस कांग्रेस में, और गुलाम नबी आज़ाद साहब बाद में मुख्यमंत्री रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि पीडीपी के जो सिद्धांत हैं वो ना तब बदले थे ना आज बदले हैं। पीडीपी इज द मॉडरेट फेस ऑफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, एवरीबडी नोज इट, एंड इट सीम्स टू बी ए ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज के बीजेपी जम्मू क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ जीतती है और पीडीपी कश्मीर वैली में पूरी ताकत के साथ आती है। तो इन दोनों का जब मिलन होता है तो जम्मू कश्मीर की जो आपस की जो समस्याएं हैं, लेट मी इस तरह से विभाजन करके आप मुझे वोट लेंगे और उसके बाद आप मुझे बोलने हो जाएंगे। शर्मा जी जरा मुझे बोलने दे प्लीज, मुझे बोलने दे, बात कीजिए पूरी फिर आप। तो ये जो जिस प्रकार का वहां पर मैंडेट आया है उसमें जम्मू, आप शर्मा जी इसको देखते हैं कि अलग अलग नहीं, ये दोनों क्षेत्रों के संबंधों में और प्रगाढ़ता लाने का भी एक बहुत अच्छी वजह बन सकती है। जो जम्मू कश्मीर मूल की जो समस्याएं हैं उनका समाधान एक सकारात्मक रूप में हो सकता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, राकेश जी, सिर्फ इतना सा है स्वाति, कि अगर पीडीपी पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट है, अगर पीडीपी हुर्रियत के प्रति सॉफ्ट है, तो बीजेपी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो जिसका सिद्धांत राष्ट्रवाद है, उसके प्रति भी अगर वो अपना नजरिया बदलती है तो ये तो देश के हित में, भाई तुम जानो, भाई तुम जानो जो तुमको गैर से रस्म रहा हो और हमको भी पूछते रहो, चलिए तो क्या गुनाह हो। रविंद्र जी आप क्या कह रहे थे, अपना पॉइंट रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप सत्ता हासिल करते हैं तब आपको ये याद रहना चाहिए कि जम्मू कश्मीर एक सरहदी रियासत है, सेंसिटिव रियासत है, यहाँ आतंकवाद है, मिलिटेंसी है, अलगाववाद है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को भी ये याद रखना चाहिए था कि हम 67 साल से कौन से स्लोगन देते हैं। जब
प्रधानमंत्री जी आकर के ये कहें, वरिष्ठ नेता इनके जा कहें कि इनको रोकने के लिए हमको मैंडेट दो, और आप इस तरह का सिग्नल देते हैं। जम्मू प्रदेश की बात तो सब करते हैं, लेकिन पीडीपी और कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कुछ विचारधाराओं का मतभेद बिल्कुल कम हो सकता है, कई बातों पे अंतर कम है, लेकिन दो बिल्कुल विरुद्ध पार्टियां, इनका कॉमन मुद्दा सिर्फ सत्ता है। आज जब सत्ता नजर आई तो आपको सेंसिटिव स्टेट जम्मू कश्मीर नजर आ गई कि अब सत्ता और आईनी और से सारी चीजें हमने करनी है। तो पहले भी एक ब्रेक पर मुझे जाने, राकेश का अपना पॉइंट बहुत बहुत जल्दी से रखिएगा। शर्मा जी, जो सैद्धांतिक समझौता होता है वो चुनाव से पहले होता है, चुनाव के परिणामों के बाद जो परिस्थितियां विधानसभा में बनती है उसको हम लगातार एक हवा में नहीं छोड़ सकते। जो आप कर रहे हैं इस समय तमिलनाडु में वो क्या कर रहे हैं, और कांग्रेस का समझौता, क्या सैद्धांतिक समझौता हो सकता है? चुनाव से पहले कर रहे हैं, आपका जवाब ये प्रधानमंत्री जी को याद रहना चाहिए। जो तमिलनाडु का समझौता है, जनाबे आली प्रचार के लिए आते हैं, जनाबे आली जो तमिलनाडु में होने जा रहा है उस पर आप क्या कहते हैं, उस पर आप क्या फरमाते हैं वो बताइए। डीएमके और कांग्रेस जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि आखिरकार ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस सामने आए हैं, क्या ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी?